लस्सी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं बटर, शुगर, फ्राइड नूडल्स, इसको पहले मैंने बॉईल करके फ्राई कर लिया है, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड अनियन, ग्रेटेड कैरेट, ये मैंने लंबा कैबेज काटा है, कॉर्नफ्लावर, कोरिएंडर लीव्स, 2 टीस्पून ऑयल, लेमन, सॉल्ट, फूड कलर ऑरेंज, सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, एंड ये जो मैंने टमाटो प्यूरी है उसको पहले बॉईल करके छान लिया है। इसमें सबसे पहले पैन में ऑयल डाल देंगे, हमने जो चॉप करके रखी है सारी वेजिटेबल्स वो डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे एंड अब इसको हम लो फ्लेम पे कुक होने देंगे 5 मिनट्स के लिए। सो हमारे 5 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। लेमन 2-3 ड्रॉप्स, सॉल्ट थोड़ा सा डालेंगे बिकॉज हमने पहले भी डाला था सॉल्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 5 मिनट्स को खोने देंगे। सो अब 5 मिनट्स हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैं पानी एंड कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके अब ये डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज रेड फूड कलर, बटर, कोरिएंडर लीव्स, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी डाल रही हूँ एंड आप जितना स्पाइसी खाएं आप अपने अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फॉर 5 मिनट्स। सो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी एंड बताइएगा कि आप देख सकते हैं कि हमारी यम्मी यम्मी चॉप्सी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देख सकते हैं कि हमारी चॉप्सी रेडी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी।